फिर पूरा फिनिश है। ये इनाम है ना मुझे दे दो, मुझे पता कितना हार्ड चैलेंज है, हार्ड काफी लगता है। तो संतोषी जी तो क्या लगता है कितनी देर में पूरी थाली फिनिश कर दोगे? पूरी थाली डेढ़ मिनट में फिनिश करूंगा। बिल्कुल, आपको निर्मला जी की जगह इनको लेके आए हो, लेकिन इन्हें नहीं लाना था। अभी भी वक्त है, इन्हें बचा लो। अभी भी कह रहा हूँ, इन्हें बचा लो, उनको बुला लो। डेढ़ मिनट में हरा के जाऊंगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए, क्या क्या जानिए, क्या हुआ? भाई साहब, आप स्टार्ट करो। एक सेकंड स्टार्ट कर दें, कर दो, 3, 2, 1 स्टार्ट। और ये हो चुका है संतोष जी का टाइमर स्टार्ट। और ये क्या कर रहे हैं, सांबर में डाल रहे हैं पूरी चटनी, दोनों के दोनों चटनी। भाई भाई 5 सेकंड तक तो अभी मिला ही रहे हैं, अब देखते हैं कितने सेकंड में फिनिश करते हैं। आराम से जी, काफी लंबी बाइट मार रहे हैं भाई साहब। ये एक डोसा को पूरा भाई दो बार में कर रहे हैं कन्वर्ट। ये क्या स्पीड लगा रहे हैं ये संतोषी जी, आज अब गया पूरे लग रहा है यहाँ पे। डर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। राकेश जी कह रहे कि भाई जी का कहना है कि जब तक एंड ना हो जाए पूरा चैलेंज, तब तक कह नहीं सकता किसके हाथ में पैसा लगेगा। भाई बिल्कुल भाई, संतोष जी यही बात है। हाँ, बिल्कुल अभी देखते हैं। और संतोष जी भाई यहाँ पे बार बार कह रहे थे कि इनको हटा दो भाई साहब, अभी इनको पूरा बचा लो चैलेंज में, पर संतोषी जी भाई साहब इनसे हारने वाले नहीं है। तो देखते हैं किसके पास जाने वाला है पूरे 2500 रुपए कैश भाई। यहाँ पे अभी भी नहीं पता भाई किसके हाथ जाने वाला है। आज बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा भाई। एक तरफ है संतोष जी और एक तरफ है संतोषी जी भाई। इतना बड़ा और इतना कॉम्बिनेशन वाला चैलेंज, इतना बराबरी वाला चैलेंज आज तक नहीं हुआ भाई। बिल्कुल बराबरी का चैलेंज लग रहा है। राकेश जी लग रहा है कि संतोष जी का पूरा पेट भरते हुए दिख रहा है भाई। वो टाइम इनका हो चुका 58 सेकंड पूरा। बिल्कुल अभी 58 सेकंड ही हुआ है, अब जाके 1 मिनट हो रहा है। इसका मतलब भाई बहुत बड़ा टारगेट मिलने वाला है संतोषी जी को। मगर संतोषी जी वही चैलेंजर है जो बड़े बड़े चैलेंजरों को धुआं उड़ा के जाती है भाई। आज देखते हैं क्या करके जाती है। बिल्कुल जल्दी जल्दी संतोष जी, सिर्फ आप मुंह खोलना है आपको। और आपका सिर्फ रह चुका है सांबर थोड़ा सा यहाँ पे, और टाइम इनका हो चुका है 18 सेकंड भाई। बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से। अभी 1 मिनट 20 सेकंड का टाइम हो रहा है जी। मुझे तो लगता है संतोष जी का टारगेट काफी लंबा मिल चुका भाई यहाँ पे। कुछ नहीं कह सकते विशाल जी, राकेश जी ये 50 सेकंड वाली चैलेंजर है यार। ये ढोसा आज काफी हैवी है विशाल जी, आप समझ नहीं रहे बात को। पूरी पूरी थाली भरी है भाई, 33 सेकंड। बिल्कुल 1 मिनट 33 सेकंड में खाए हैं संतोष जी। संतोषी जी आपको क्या लगता है फिर 15 सेकंड में? तो संतोष जी क्या लगता है कितने में खाने वाले हो आप फिर? 15 सेकंड में पूरा फिनिश है। 15 सेकंड ये इनाम है ना मुझे दे दो, मुझे पता कितना हार्ड चैलेंज है। हार्ड काफी लगता है। 1 मिनट रुक जाइए, पहले पैसे यहाँ पे रखिए। अभी संतोषी जी कह रही है भाई साहब कितना हार्ड है। बिल्कुल भाई साहब, संतोष जी कह रहे चैलेंज काफी हार्ड है। तो संतोषी जी ये क्या कर रहे हैं भाई, कड़ा दुपट्टा सब निकल चुका है। तो क्या लगता है 3, 2, 1 स्टार्ट। ये क्या है माय गॉड, सांबर आ चुका पूरा प्लेट में। माय गॉड, ये तो निर्मला जी का अवतार लग रही है भाई। बिल्कुल राकेश जी, पैसा हो गया गंदा यहाँ पे। तो हटाइए, हटाइए आराम से पैसे हटाइए राकेश जी, पैसे हटाइए, गंदा हो गया। पैसे आप उठाइए, दूसरे चैलेंजर आप उठाइए अभी के लिए। अगर आप जीत जाते हो तो अपने पास रख लेना, और इनको ये जीत जाते तो इनको दे देना भाई। बिल्कुल भाई, पर राकेश जी लगता नहीं है जिस आपसे खा रही है, इनको जीतने देने वाली है पूरी है। और टाइम भी बच गए इनके 22 सेकंड भाई। 22 सेकंड में बाप रे बाप, ये क्या कर रही है? बोलिए ज्यादा वो मत दीजिए जोश, क्योंकि जोश ज्यादा मिलेगा तो कुछ भी हो सकता है। राकेश जी 2500 का चैलेंज है यहाँ पे, लगता है कि पूरा निर्मला जी की आत्मा आ चुकी है पूरा संतोष जी के अंदर भाई। बिल्कुल आत्मा नहीं विशाल जी, उनको अभी जिंदा है अभी भाई साहब, उनके साथ खिलवाड़ मत करिए अभी। ये तो है, पर राकेश जी अवतार बोल सकते हैं, अवतार भाई अवतार वही मतलब। बिल्कुल ये क्या है सिर्फ अभी 45 हुआ यहाँ पे टाइमर, सिर्फ क्या कर रहे हो संतोष जी आप ये आराम से 1 मिनट 33 सेकंड। इसका मतलब बहुत बड़ा टारगेट सही था, टारगेट परफेक्ट था विशाल जी। 1 मिनट होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, कहीं बराबरी ना हो जाए। संतोषी जी आप कर सकते हो, क्योंकि देख लो काफी दूर से आए हैं चल के संतोष जी। अगर आप इनको हरा दोगे तो पूरे के पूरे 2500 रुपए कैसे आप लेके जाओगे भाई यहाँ पे? भाई सीधा निकल जा रही है विशाल जी, एक मुंह में जा रहा है और गायब हो जा रहा है एकदम से ही। पूरी सफाई कर लीजिए जिससे कि वो ब्लेम ना कर सके। संतोषी जी मुंह ओपन कर दीजिए जल्दी से, 1 मिनट 33 सेकंड का टाइम काफी लंबा है यहाँ पे। और ये लो भाई साहब 14 सेकंड के अंदर पूरा हो चुका है मुंह ओपन। तो संतोष जी आपके हाथ से गया इनाम पूरा भाई यहाँ पे। तभी कह रहे थे ये निर्मला जी की दूसरी अवतार है, इसको हरा देते हो तो निर्मला जी को भी हरा सकते हो भाई। बिल्कुल आपको निर्मला जी के साथ आपको उतारेंगे जरूर। बिल्कुल क्या कह रहे हैं, अगले वीडियो में इन्हें मैं जरूर हरा के जाऊंगा। अब इनका टारगेट बना लिया आपने? इनका टारगेट मैं बना चुका हूँ कि इनका खाने का तरीका, हर चीज का तरीका मैं जान चुका हूँ। अगले वीडियो में मैं पक्का जीत के जाऊंगा। जो हाथों तो क्या चुकी है आप, जो इनको इनाम दिया जाए भाई, दिया नहीं जाएगा, खुद उठाएंगे भाई। जैसा कि कहा था संतोषी, जो पहले मुंह खोल के दिखलाएगा वो उठा के ले जाएगा भाई। ये पूरे के पूरे 500 का नोट भाई, पूरे 5 नोट यहाँ पे। तो बताओगे हमारी आपको इनाम लेके जीत
के अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, इन्होंने क्या सपना निर्मला जी के साथ था पहले, मुझे तो हरा के गई, निर्मला जी का सपना इनका मैंने ही तोड़ दिया। ये लो भाई खुला चैलेंज यहाँ पे। मेरा सपना था निर्मला जी को हराने का, लेकिन अब मेरा सपना गया है बदल है? अब पहले मैं इनको हराऊंगा अगले वीडियो में, उसके बाद निर्मला जी को हराऊंगा। अरे अगले वीडियो में मिलना आप मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक सेकंड ले लो भाई, संदूर आगे तैयार है पूरी यहाँ पे भाई, खुंदक से भी आ सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आपको मौका दिया। ये तो बात सच है भाई, नॉलेज होती है, नॉलेज पहले लिया जाता है उसके बाद किया जाता है। इसका मतलब आप समझ चुके हो कैसे खाना है, कैसे खाना है, कैसे। तो संतोष जी इनको पहले से ही भरा हुआ है नॉलेज पूरा यहाँ पे। कोई बात नहीं सर, हमारे पास भी नॉलेज आएगा। चलो भाई तो देखते हैं वो अगली वीडियो, भाई आप क्या करने वाले पूरी वीडियो में। ऑडियंस आपको दोनों चैलेंजर में से किसका चैलेंज अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना, और पेज पे हो तो जरूर फॉलो शेयर कर दीजिए भाई, ऐसी खतरनाक और मजेदार वीडियो देखने के लिए।